के कुछ भी ले लो आप, नमक, तेल, चीनी, चाय पत्ती, फूल, फल, सब्जी, सब महंगे हो गए। और कोई एक नेता बोलने को तैयार नहीं कि डीजल 100 रुपए का कर दिया था उसे हम कम करें, गैस का सिलेंडर 950 रुपए का बिक रहा है। ये महंगाई जो गरीब की कमर तोड़ रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज भी आप बोलो कि मनमोहन सिंह की सरकार थी और तब आपने ऐसा किया था, भाई 7 साल से तुम संभाल रहे दिल्ली को, और 5 साल योगी जी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो शासन दिया है हमारे सामने, हाथरस का कांड हुआ, उन्नाव का कांड हुआ, लखीमपुर खेरी में मंत्री के बेटे पे जो आरोप लगे हैं, आप सबको मालूम है कि नहीं मालूम? किसान पे अत्याचार करो, शोषण करो, लाठी चलाओ, गोली चलाओ, उनको उग्रवादी बोलो, अलगाववादी बोलो, साल भर से किसान दिल्ली के बाहर पड़े रहे, कील कांटे बिछा दिए, उनपे केस दर्ज कर दिए, कानून थोप दिए, और जब उपचुनाव में हारे तो कानून वापिस दे दिए। अच्छी मर्जी चल रही है भाई, ये कैसा शासन है, कैसे लोकतंत्र है? कोई संवाद नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई पूछ नहीं। जिन लोगों के दम पर, जिनके कंधों पे खड़े होकर आप शासन में आए हो, उनके प्रति जवाबदेही नहीं है। बस मन की बात करनी है, होर्डिंग लगा देनी है, फोटो खिंचवा देनी है, भगवान का नाम ले लो, मंदिर चले जाओ, घंटियां बजा दो, शासन नहीं चलता। मैं मानता हूं कि ये चुनाव निर्णायक चुनाव है, देश की राजनीति के लिए एक संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर। और आज इस गांव में हम लोग खड़े हैं, एक और बता दूं आप लोगों को, ये जेवर में हर गांव में मैं नहीं जा, हम नहीं जा सकते। और मैं जानता हूं जो शब्दावली का प्रयोग आचार्य जी ने किया, मैं तो वो भी नहीं बोलूंगा, कैसे कैसे लोग कहां कहां घूम रहे आप सब जानते हैं, गांव गांव जाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, घुटनों को पकड़ेंगे, आंसू रोएंगे, ये कर दो वो कर दो, कुत्ता फैलाएंगे, जारी ये सब होगा। लेकिन जो लोग आज यहाँ घूम रहे हैं, डीजल फूक रहे हैं, ये 10 फरवरी के बाद मिलेंगे नहीं आपको देखने पे। इसलिए आप लोगों को, भाई मैं तो इस गांव में आज खड़ा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बाकी नेता अलग अलग दलों के कितने आ जाएं, पुरानी कहावत है ना, हमारी आज की एक मीटिंग करनी है हमने आज। अब आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, जिम्मेदारी आप लोगों की, पूरे क्षेत्र में हर गांव, मकान, गली, मोहल्ले में आप लोगों को आज का संदेश देकर जाना है। अगले 5 दिन बचे हमारे पास, और पुरानी कहावत है 100 सुनार की और 1 लोहार। अब ये बात मैं कह रहा हूं ना सिर्फ नवादा के लिए, पूरे 27 के लिए, जिम्मेदारी आप लोगों की। लड़के को आशीर्वाद दो, आपके बीच पे रहकर काम करेगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं। और यहां से जाने के बाद जमीन का मुआवजा हो, फैक्ट्रियों में नौकरी हो, आप लोगों की आवाज बुलंद करने की बात हो, ये कहीं पीछे नहीं हटेगा, और मैं इसके साथ खड़ा हूं। चुनाव चिन्ह बहुत सारे हैं, हमारा चुनाव चिन्ह कांग्रेस का है, और संकेत जाना चाहिए कि हम सब यहाँ सभा करके गए थे आज 4 फरवरी को, और जब 10 मार्च को पेटी खुले तो नवादा 27 का एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, मनोज को मिले, सब तो हमारी बात है। इसलिए आपने मेरे बारे में जो बड़ी बड़ी बातें बोली, वो सब तब कारगर है जब लोकतंत्र में जनता का समर्थन है। नारे लगा दो, भाषण दे दो, फूल माला पहना लो, लाडू खिला दो, और बटन कहीं और दब जाएगा तो कोई मतलब नहीं। नेता वही है जिसकी जबान से निकला सब टी की आवाज निकाल दे ईवीएम मशीन से, और बटन नहीं दबे और ऐसे भाषण दे के चले जाए, इसका कोई मतलब नहीं। तो आज आचार्य प्रमोद जी ने जो कहा, उनके शब्दों को आप ध्यान से साफ सुना होगा, मनोज जी ने आपके सामने जो आवेदन किया, और मैं आपसे जो आग्रह कर रहा हूं कि 10 मार्च को परिणाम निकले तो एक एक वोट 36 गांव के लोग मिलकर मनोज जी को अपना आशीर्वाद दो, और आपके बीच में मेहनत से काम करेगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं। आप लोगों ने आज बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, बहुत दिन बाद देखे मेरे, तो समय निकल रहा है, अपनी पहचान बनाने का, पार्टी को मजबूत करने का सुनहरा मौका है। आप सबसे निवेदन, सारी बात भूल के किसी के बहकावे में, किसी के डरावे में, किसी के झांसे में नहीं आना। हमें आज नवादा से आवाज निकलेगी, और मुझे 2 दिन में खबर मिलनी चाहिए कि पूरी हवा बदल गई और मनोज यहां से चुनाव जीत कर जाएंगे, विधायक बनेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला, आज भी मिला, आप लोगों का हमेशा की तरह मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और भविष्य में भी
जो भी संघर्ष करना है, बातें करनी है, आप लोगों का यहाँ बैठे बैठे मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है, आगे भविष्य में देते रहना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। इन किसान बिल को वापस लेने की उन्होंने बात कही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जेवर विधानसभा में जब भट्टा पार्सल कांड हुआ था, किसानों की जब लड़ाई यहाँ पर चल रही थी, किसानों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही थी, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी, उस समय में सपा के, में बसपा के, भाजपा के नेता आपके बीच में आए थे। अगर कोई आए थे तो कांग्रेस के नेता आ, राहुल गांधी जी आए थे। अगर कोई आए थे तो हमारे नेता आ, सचिन पायलट जी आए थे। अगर कोई आए थे तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी आई थी। और आप सबसे मिलकर उन्होंने पदयात्रा की थी आदरणीय राहुल गांधी जी ने। 7-8 दिन तक आपके बीच में रहे थे। पायलट साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस कानून को आपने भट्टा पार्सल में भूमि अधिग्रहण बिल को लोकसभा में पास कराकर बनवाया, उसका उल्लंघन भाजपा सरकार ने, भाजपा के विधायक ने, जेवर एयरपोर्ट में जब उनकी जमीन अधिग्रहण की गई तो अपने भाई को 4 गुना मुआवजा दिलवाया, जो कांग्रेस पार्टी ने 4 गुना मुआवजा के लिए कानून बनवाया था। लेकिन जो यहाँ पर किसान भाई थे वो आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आज भी कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। उनको 4 गुना मुआवजा दिलवाने का काम भाजपा की सरकार ने नहीं किया। आए दिन यहाँ पर, चाहे बीमा प्राधिकरण में कह रहा हूँ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, चाहे जेवर एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, यहाँ पर जब नौकरियां निकलती है और यहाँ के विधायकों के पास हमारे युवा साथी जाते हैं, यहाँ के सांसदों के पास जो हमारे युवा साथी जाते हैं, तो यहाँ के विधायक और सांसद कहते हैं कि 200 किलोमीटर दूर का आधार कार्ड ले आओ। यही कहते हैं भैया, यही कहेंगे, यही कहते हैं कि 200 किलोमीटर दूर का आधार कार्ड आप ले आओ तो यहाँ की फैक्ट्री में आपको नौकरी मिल जाएंगी। आज आपके बीच में हमारे नेता बैठे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान हमारे बीच में बैठे हुए हैं। आप बोलते 10 फरवरी को, उससे पहले भाजपा का नेता, भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता आपके बीच में वोट मांगने आता है तो आप कहना कि आपके विधायक और आपके सांसद जब हम नौकरी के लिए जाते थे तो वो कहते थे 200 किलोमीटर दूर का आधार कार्ड ले आओ। तो उनसे पूछना कि 200 किलोमीटर का पहचान पत्र यहाँ के विधायक का लेके आओ, और उनसे कहो जो 200 किलोमीटर दूर वालों को आपने नौकरी लगवाई है वही पर जाकर आपसे अपना चुनाव लड़े, वही पर जाकर अपनी वोट मांगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, आप पायलट साहब को मजबूत करें, आप राहुल गांधी जी को मजबूत करें, प्रियंका गांधी जी को मजबूत करें। हम आपसे वादा करके जा रहे हैं, यहाँ की स्थानीय कंपनियां है, यहाँ का जो युवाओं की समस्या है उसको निपटाने का काम करेंगे। यहाँ के युवाओं को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी नौकरियों में।